एलओसी ट्रेड पर प्रतिबंध के मामले ने पकड़ा तूल, व्यापारियों ने सरकार पर लगाया रोजी रोटी छीनने का आरोप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात फिर हुआ बंद, भूस्खलन और पसियां गिरने से एक बार फिर प्रभावित हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे। जम्मू कश्मीर में अब अनिवार्य होगी सिक्योरिटी नंबर प्लेट, लोगों को 15 मई तक की मिली मोहलत, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के फैसले की लोगों ने करी सराहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं। भूस्खलन और पसियां गिरने के कारण जम्मू कश्मीर हाईवे को बंद कर दिया गया है। रामबन जिले में भूस्खलन और पसियां गिरने के कारण अक्सर हाईवे को बंद करना पड़ता है और एक बार फिर हाईवे बंद है, जिसके मद्देनजर जो है लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नदीम इकबाल हमारे साथ जुड़े हैं। नदीम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कब से हाईवे बंद है और कब तक खुलने की उम्मीद है? हमारी आवाज जो है हमारे संवाददाता नदीम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है बंद हो चुका है, जिससे यातायात को प्रभावित हुआ है, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पे दर्जनों जो चट्टाने हैं, मिट्टी है, वो गिरी हुई है, जिससे यातायात जो प्रभावित है, लोगों की गाड़ियां आने जाने में परेशानी हो रही है। तो हाईवे पे गिरी दर्जन जगह पसियां गिरी हुई हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा था। तो रामबन जिले में भूस्खलन और पसियां गिरने के कारण हाईवे अक्सर बंद रहता है और फिर से एक बार हाईवे बंद है। भूस्खलन और पसियां गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे एक बार फिर से बंद है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार जो है जो गाड़ियां हैं वो चल नहीं पा रही हैं, रुक रुक के चल रही हैं, क्योंकि भूस्खलन हो रखा है और रोड जो है, रास्ता जो है जम्मू से श्रीनगर जाने वाला, वो बंद है रामबन के पास। और आप ट्रकों की लाइन देख सकते हैं जो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कब रास्ता खुले और कब वो श्रीनगर की ओर रवाना हो और कब वो जम्मू कश्मीर की जम्मू की तरफ रवाना हो और उनमें जो भरा सामान है वो अपनी अपनी जगह पर पहुंचा सकें। तो अक्सर रामबन के आसपास से ये खबरें सामने आती हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान कई राउंड गोलियां चली, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि आज तड़के सेना की 32 आरआर गश्त पार्टी सोपोर के बाटरगाम में गश्त कर रही थी, तभी छिपे हुए आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को ढेर कर दिया। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जिसके तहत जो है सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है और आतंकियों का खात्मा कर रही है। ऐसी ही एक कामयाबी 32 आरआर को मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। हिलाल, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है? Thank you.
तो जम्मू कश्मीर के सोपोर में मुठभेड़ हुई है, सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, बड़ी कामयाबी सेना को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि सेना की 32 आरआर रेजिमेंट के जवान गश्त पे निकले थे, उसी दौरान आतंकियों ने मौका पाते हुए घात लगाकर बैठे थे आतंकी और सेना पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसका जवाब सेना के जवानों ने दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को ढेर कर दिया। सेना जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, जिसके तहत सेना को कामयाबी भी मिल रही है। इसी के तहत सेना ने सोपोर में एक आतंकी को ढेर किया है। सेना की 32 आरआर रेजिमेंट की एक टोली सुबह सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिलाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? जी सर, ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे, ये कल शाम उस वक्त शुरू हुआ था जब 8:55 पर यहाँ पर गोलियों की आवाज सुनाई दी और उसके बाद एक मुख्तसर एनकाउंटर चला और उसमें एक मिलिटेंट जो है वो मारा जा चुका था, लेकिन फोर्सेस को खदशा था कि यहाँ पर दूसरा मिलिटेंट है, लेकिन इसके चलते फिर आज सुबह तक जो यहाँ ऑपरेशन चला गया और फिर सुबह 9:30 ये ऑपरेशन जो है खत्म हुआ और इसमें जो सर्च ऑपरेशन भी चला गया था वो भी खत्म हुआ, क्योंकि फोर्सेस को पहले ही खदशा था कि यहाँ पे दूसरा मिलिटेंट है, तहम दूसरे मिलिटेंट के बारे में फिर कोई मालूमात या कोई इत्तला नहीं मिली। इसके बाद फोर्सेस ने यहाँ से डेड बॉडी रिकवर की है एक मिलिटेंट की, तहम उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है, तहम पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई के बाद ऑपरेशन को खत्म किया गया है। बिल्कुल हिलाल, एक चीज और जानना चाहेंगे, किस संगठन से ताल्लुकात रखता था मिलिटेंट? देखिए, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि फोर्सेस ने अपनी तहवील में लाश को लिया है और पुलिस जो है अभी पूरी मालूमात हासिल कर रही है मस्कुरा मिलिटेंट के बारे में, क्योंकि अभी तक उसकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पा रही है। हमने डीआईजी जो नॉर्थ है उनके साथ भी बात करने की कोशिश की थी, तहम उनका मानना है कि जब तक ये सारी चीजें जाहिर हो जाएं तो तब तक वो इस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी, एक चीज और, क्या कुछ हथियार मिलिटेंट के पास से बरामद हुए हैं? जानकारी इसके बारे में कल ही फोर्सेस ने दावा किया था कि जो मिलिटेंट वहां पे मारा जा चुका है और उसकी जो लाश भी बरामद की गई है, उसके कब्जे से एक पिस्टल और कुछ ग्रेनेड जो है वो बरामद किए गए हैं और माना जा रहा कि ये जो फोर्सेस की टीम कहीं पर जा रही थी तो उस पर ये हमला किया गया था, जिसकी रिटेलिएशन में फिर फोर्सेस ने उसको वहां पे मार गिराया। जी हिलाल, लगातार जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और आतंकियों की जो बौखलाहट है वो साफ देखी जा सकती है। अब देखिए, अगर हम देखेंगे 90 से ही जम्मू कश्मीर में इस तरह की जो सरगर्मियां हैं वो जारी हैं, हालांकि फौज की जानब से भी काफी दावा किया जा रहा है कि हम मिलिटेंसी को खत्म करेंगे, लेकिन मिलिटेंसी अभी तक जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हो पा रही है। अगर हम जो बिपिन रावत है उनका भी बयान देखेंगे तो उन्होंने भी कहा था कि गन से गन को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू करने की जरूरत है और तब जाकर ये सारी चीजें जो है हल हो सकती हैं। और ये जो फौजी सरबराह है उनका बयान आया था और जो साबिका फौजी सरबराह है उनका भी यही मानना है कि गन कल्चर को खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए एक डायलॉग है, एक टेबल है, जिसके चलते दोनों देशों को, भारत और पाकिस्तान को मिल बैठकर इस संजीदा मसले पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। बिल्कुल हिलाल हंजूरी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि गन से गन को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर भी वहां पर कोई पहल हो रही है लोगों से बातचीत करने के लिए? देखिए, जो ये मसला है कहीं ना कहीं जो मिलिटेंसी है वो कश्मीर इशू के साथ एसोसिएट है और बहुत समय से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस भी इस पर चला है, डायलॉग भी चला है, लेकिन वो एक सस्टेनेबल डायलॉग जिसे कह सकते हैं, एक मुस्तकम जो मुजाकरात है वो आज तक नहीं चले हैं, जिसकी वजह से ये चीजें यहाँ होती रही हैं, न सिर्फ इस हिस्से में बल्कि सरहद पार भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस को बार बार डिरील किया गया है, जिसके नतीजे में आज तक की जो मिलिटेंसी है वो कहीं ना कहीं परवान चढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही इस दौरान कि गन से गन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन राजनीतिक तौर पे जम्मू कश्मीर में पहल की जरूरत है। जरूरी है कि वहां के नेता लोगों से, भटके हुए नौजवानों से बात करें, जिसके बाद मिलिटेंसी पे रोक लग सकती है। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान के संबंध सुधरने के बजाय और खराब होते जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी के जरिए होने वाले ट्रेड को पिछले दिनों बंद कर दिया गया था, जो 19 अप्रैल से लागू हो गया। इस ट्रेड के बंद होने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। गृह मंत्रालय ने एलओसी पर व्यापार बंद करने को लेकर जो कारण बताया, उसके मुताबिक पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन व्यापार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यापार के नाम पे बहुत से भारत विरोधी लोग जो हैं, तत्व जो हैं, भारत में घुसे जा रहे हैं। इतना ही नहीं,
इन्हें इस ट्रेड की आड़ में लोग जो हैं नशीले पदार्थ, हथियार और नकली नोट भारत में भेज रहे हैं। बे ट्रेड बंद होने से व्यापारी काफी परेशान हैं और उन्होंने सरकार के प्रति जो है नाराजगी जताई है। तो एलओसी के जरिए होने वाले ट्रेड पे रोक लग चुकी है। ट्रेड बंद होने से व्यापारी वर्ग काफी परेशान है, लेकिन सच यह है कि ट्रेड की आड़ में पाकिस्तान की नापाक हरकत यहां पर भी जारी थी। पाकिस्तान जो है ट्रेड के जरिए नशीली दवाओं का और नशीले पदार्थों का, हथियारों का, नकली नोटों का, इससे इस ट्रेड को बहुत बड़ा धक्का लगा। ये 35 गाड़ियों का मसला नहीं, लोगों के ऑर्डर बुक हैं, चाहे वो पीछे से फ्रेश फूड की खरीद थी, स्पाइसेस की खरीद थी, तो जो भी ये हर्ब्स की खरीद थी, तो ये खरीदारियां लोगों ने की हुई हैं, तो उनको लेके ये बहुत बड़ा धक्का है। इस पार और उस पार दोनों तरफ जो है ये लॉस, इतना इस लॉस की भरपाई मैं नहीं समझता हूँ कि होगी। और ये मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट जितना ये हमारा लॉस हो रहा है इसके लिए कोई इंसेंटिव जो है वो देखे कि इसको किस तरह से इन ट्रेडर्स की भरपाई जो है वो की। खबर आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MHSA एक ऑर्डर आता है कि ट्रेड को फिलहाल सस्पेंड किया गया है, तो उसमें सबसे बड़ी परेशानी हमें आज ये आई है कि हमारे पास जो पेरिशेबल आइटम चेक होके माल जो खड़ा था तैयार पार जाने के लिए, ऐसे ही पार कुछ आइटम्स हमारी खड़ी हैं, क्योंकि ट्रेडर्स ने किसी जरिए से माल खरीदा होता है। यहाँ छोटे ट्रेडर हैं, तो किसी की एक गाड़ी की कंसाइनमेंट है, किसी कोई लोन है, कोई कुछ है, तो ऑन स्पॉट जो बंद हुआ इससे जरा धक्का लगा है। बाकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है हम गवर्नमेंट के साथ हैं, तो वो जो जैसी भी पॉलिसी आएगी हम उस पर इंशाल्लाह सारा इंप्लीमेंट करेंगे, उसी हिसाब से चला जाएगा। लेकिन जो ऑन स्पॉट धक्का लगा है एकदम, वो ये है कि बहुत सारे माल जो करोड़ों रुपए का माल है, छोटा छोटा, किसी की 4 लाख की कंसाइनमेंट है, किसी की 6 लाख की कंसाइनमेंट है, तो होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू है, और उसके हिसाब से आज से ट्रेड जो है वो टिल फर्दर ऑर्डर जो है सस्पेंड रहेगा। तो आज हमारी 35 गाड़ियां जो यहाँ कल हमने रिसीव की थी जानी थी, उनको हमने फिर कंसर्न ट्रेडर को रिलीज कर दिया है, तो जब तक फर्दर ऑर्डर्स आते तब तक ये ट्रेड जो है सस्पेंड रहेगा। सर, इस महीने में कितना ट्रेड अभी तक हुआ है? कुल इस महीने में अगर करंट मंथ की हम बात करें तो 105 गाड़ियों का इम्पोर्ट और 105। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। जमशेद, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले व्यापार बंद हुआ है, ट्रेड बंद हुआ है और व्यापारी काफी परेशान है, इसकी नाराजगी हमें देखने को मिली अभी। जी, जिस तरह से काफी नुकसान भी हुआ, व्यापारियों का भी नुकसान हुआ है और इसे रोजगारी में भी इजाफा हुआ, क्योंकि व्यापारियों का जिस तरह कहना यही है कि इनका काफी पैसा जो उस पार फंसा और वहां के व्यापारियों का पैसा इस तरफ के व्यापारियों के पास है, ये करोड़ों रुपए में है जो रकम होगी जो इस बार फंसी हुई है ट्रेड बंद होने की वजह से। और अगर ये ट्रेड बंद होता है तो इससे बेरोजगारी में भी काफी इजाफा होगा, क्योंकि ट्रेड के साथ साथ काफी लोगों का रोजगार चल रहा था, और अगर देखा जाए तो बाहर नौजवानों का काम था, अगर मजदूरों का काम था, इससे ये भी बुरी तरह मुतासर होगा, क्योंकि ट्रेड के बंद होने से काफी भारी नुकसान जो होगा वो अगर फाइनेंशियली भी होगा तो इसके साथ साथ बेरोजगारी में भी काफी इजाफा होगा, क्योंकि ट्रेड बंद होना इस वक्त पूंछ में खास करके, क्योंकि ट्रेडर की बात करें, ट्रेडर से हमारी जिनसे उनका यही कहना था कि ट्रेड को बहाल किया जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए का लेन देन अभी उस तरफ इस तरह पड़ा हुआ, और जिस तरह 35 ट्रक कल रुके थे जिनको रोका गया, इनमें भी भारी खतरा हुआ है और ये सामान भी खराब होगा जो 20 करोड़ रुपए के आसपास का बताया जा रहा है। अगर इस तरह ट्रेड बंद होता है तो उससे बेरोजगारी में भी इजाफा होगा और ट्रेडों का पैसा भी है जो वो भी मारा जाएगा। जी जमशेद, बात आपने बहुत अच्छी कही कि ट्रेड का नुकसान होगा, व्यापारियों का घाटा होगा, काफी पैसा फंसा हुआ है, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी संगीन है, क्योंकि पाकिस्तान इस व्यापार की आड़ में नकली नोट, नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी कर रहा है। जी, इस तरह के मामले आए हैं इस ट्रेड के दौरान सामने, कुछ आए हैं ट्रेड में इस तरह के जिसमें ड्रग्स हो या हथियार हो, ये इसमें कई तरह इस तरह मामले सामने आए, मगर इस पर व्यापारियों का ये कहना है कि जो लोग इसमें मुलव्वस थे या जिन लोगों का ये ट्रेड था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इतनी भारी चेकिंग के दौरान अगर ट्रेड में से इतना सामान इस तरफ दाखिल होता है, वहां कहीं सिक्योरिटी चौक भी हम मान सकते हैं जरूर, क्योंकि इस ट्रेड बंद होने से जहां लोगों को नुकसान भी पहुंचेगा, और मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि इसमें हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार भी होंगे, मगर जिस तरह कुछ व्यापारियों का ये कहना है कि व्यापारी इसमें गलत पाए जाते हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके खिलाफ उन व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि पूरी ट्रेड पे कार्रवाई की जाए जिससे अब व्यापारियों का नुकसान हो, क्योंकि उनका यह कहना है कि हर तालाब में अगर हम देखते हैं कुछ गंदी होती है, अगर यहाँ भी कोई ऐसा ट्रेडर है उसके खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाए, न कि सब ट्रेडों को इसका नुकसान पहुंचे, क्योंकि ट्रेड बंद है, इनके इनके माल को इनके नुकसान के साथ साथ बेरोजगारी में भी काफी इजाफा होगा। और वाकई ये बात कहने की है कि जिस तरह पुंछ सकंदबाग का ट्रेड है, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ हजारों की तादाद में काम कर रहे हों, चाहे मजदूर हों या बाहर से और जो काम कर रहे होंगे, ऐसे लोगों को काफी नुकसान होगा ट्रेड बंद होने से। इसलिए लोगों का ये कहना रहा है कि इस ट्रेड को बहाल किया जाए, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं गृह मंत्रालय उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि ट्रेड बंद होने से काफी व्यापारी और लोग परेशान हैं, सरकार को कुछ ऐसी पहल करनी होगी जिससे ट्रेड जो है सुचारू रूप से चलता रहे और जो गलत कामों में लिप्त हैं लोग उनको ही उसकी सजा मिले। चलिए बात अब दिल्ली की करते हैं, जहां दिल्ली के आजादपुर मंडी के व्यापारी बड़े परेशान हैं क्योंकि उनके सेब खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों ने बताई है कि उनका कहना है व्यापारियों का कि जम्मू कश्मीर से सेब के ट्रक समय पर नहीं आ पाते, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। और क्या कुछ कहा व्यापारियों ने वो आप सुनिए। अगर हम नॉर्मल गाड़ी लगाते हैं वो 6 दिन 7 दिन 8 दिन 6 दिन के बाद गाड़ी यहाँ पहुंचती है, वो टोटल माल डैमेज होकर पहुंचता है यहाँ और उसकी रेट हमको बहुत नुकसान हुआ था ग्रोहों को। तो इसमें किसकी जवाबदेही बनती है, केंद्र सरकार की है? देखो ये जो नॉर्मल गाड़ी में माल आया है, ये नॉर्मल गाड़ी का माल, इसका देखो कितना सत्यानाश हुआ है इस माल का, ये क्वेश्चन है नॉर्मल माल। आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से, जो अगर सेब की बात की जाए तो सेब पे से धब्बा ही कहेंगे, तो दोनों मालों में आप देख सकते हैं। अगर ये पहुंचेगा हमारा रोड सही होगा तो ये माल हम दे सकते हैं इस मंडी को, अगर ये नहीं रोड सही नहीं होगा तो फिर ये माल मिलेगा हमारे से, ये और तो घटिया माल लिख रहा है, घटिया माल, बहुत बड़ा नुकसान है हमारा। सिर्फ रोड की प्रॉब्लम है, बाकी रोड की ज्यादा प्रॉब्लम इसमें। आपने देखा किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है, अगर ये जो सेब दिखाए जा रहे थे कि अगर वो हाईवे खोल दिया जाए या उसको 2 दिन जो बैन किया जाता है, रोड नहीं बन रहा हमारा, 7 साल से हम सफर कर रहे हैं, रोड हमारा ठीक नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारी को प्रायोरिटी बेसिस पर जो गाड़ियां वहां से निकलती है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे, जैसे कानवाई इनकी मिलिट्री में चलती है उसी बेसिस पर इसको आगे छोड़ दिया जाए, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये 4 दिन हमारी गाड़ियां जो है डिटेन करते हैं काजीगुंड में, जबकि बाकी गाड़ियां मतलब उसमें छोड़ देते हैं, सिर्फ हमारी फ्रूट की गाड़ियां छोड़ दें प्रायोरिटी बेसिस पर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड तो बनाना है, रोड बन भी जाएगा, लेकिन जब तक ये रोड बनने के साथ साथ हमारा जो ये माल वहां डिटेन हो जाता है तकरीबन 3 दिन सीए में निकाल के, जो यहाँ से लोकसभा जो सांसद है केंद्र सरकार में बड़े मंत्री है, क्या कभी आप लोगों ने उनसे बात करी इस बारे में? हम कश्मीर से हैं, हमें कश्मीर में हम रहते हैं, हमें यहाँ जो है यहाँ से हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में हम अपने तमाम जो भी केंद्र सरकार में बड़े मंत्री हैं रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ उनके पास हम गए बार बार, हम गवर्नर से साहब से अपील करते हैं कि हमारे फ्रूट को प्रायोरिटी बेसिस पे आगे जाने दिया जाए। हमारी सबसे इस वक्त वही प्रायोरिटी है कि जो ये सीए स्टोर है इसमें से जब माल निकलता है तो, क्योंकि अब अवेलेबल हमारे पास वो गाड़ियां नहीं है, सीए पूरा इंतजाम नहीं है क्योंकि रोड भी नहीं है, वहां जा भी नहीं सकती है, तो ये माल। तो ये व्यापारियों का दर्द था और जरूरी है कि केंद्र सरकार इस मामले में दखल दे और इनके जो दर्द है उसको दूर किया जाए। बात करते हैं अगली खबर के। राज्य जम्मू कश्मीर की सड़कों पर दौड़ने वाली सभी गाड़ियों के लिए अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स अनिवार्य करने के फैसले की लोगों ने सराहना की है। राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग ने वाहन मालिकों को आखिरी मौका देते हुए 15 मई तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगवाने के आदेश जारी किए हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग ने चेतावनी दी है कि 15 मई तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स न लगवाई गई तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने गाड़ियों की चोरी की रोकथाम के लिए इन नंबर प्लेट्स को लगाने का फैसला वर्ष 2012 में किया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक राज्य में कई ऐसे वाहन हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं लगी हैं। फरवरी 2016 में कश्मीर घाटी के पंपौर इलाके में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत का जाम पीने वाले शहीद कैप्टन तुषार महाजन का जन्मदिवस पे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उधमपुर में उनकी याद में बनाए गए स्मारक स्थल पे आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहीद तुषार के परिजनों और सेना ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से किसी भी अधिकारी ने शहीद को नमन करना लाजमी नहीं समझा, जिसे लेकर शहीद के पिता देवराज में रोष देखने को मिला।
उधमपुर से पूर्व विधायक पवन गुप्ता सहित पूर्व सैनिक व शहीद परिवार भी इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ पर वो शहीद परिवार हैं जो कि जिनको हमने बाहर से बुलाया हुआ है, 9 पैरा के ऑफिशल्स हैं, कुछ ये हमारे रिश्तेदार हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। मुझे तो लगता नहीं कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई यहाँ पे आया है। दुख तो बहुत होता है क्योंकि जब शहादत होती है तब तो सभी लोग बड़े जोर शोर से बोलते हैं, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं शहीदों को, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी खुद ही जीनी है और ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ना सिविल अथॉरिटीज के पास इतना टाइम है कि वो कभी शहीद परिवारों को के घरों में जाकर के उनके गम में शरीक। मैं तो कहता हूँ कि ये जो हमारी हिस्ट्री बुक्स हैं, हिंदी बुक्स हैं या उर्दू बुक्स हैं, उनके अंदर हर क्लास में एक या दो चैप्टर शहीदों के गाथाओं पे होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे अपने जो बलिदान जो है इस मुल्क के लिए दिया, ताकि बच्चों के अंदर इंस्पायरेशन पैदा हो। और हम छोटा सा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर इंस्पायरेशन पैदा हो कि वो शहीदों की जैसे हम कहते हैं कि आज़ादी तो हमें शहीद दिला दी भगत सिंह जी ने, राजगुरु या दूसरे बहुत से युद्ध शहीदों ने, लेकिन उस आजादी को आगे बना के कौन रखेगा? वो यही लोग हैं जो कर रहे हैं, जो अपनी शहादत दे रहे हैं। कितने ही लोग हमारे, अभी आपने देखा कि वो बना है 1947 के बाद भी 26,000 लोग जो है हमारी शहादत हो चुकी है, जो मॉन्यूमेंट्स बना है दिल्ली में, ये वो सिर्फ आर्मी के हैं और CRP BSF वो लोग उसमें इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो 50,000 से ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें 2-4 लोगों को छोड़ करके, 10 लोगों को छोड़ करके बहुतों के नाम भी पता नहीं। एक समय था जब रणबीर नहर के पानी को लोग पीते थे, लेकिन मौजूदा दौर में शहर के कई नालों का इतना पानी गंदा हो चुका है, इतना दूषित हो चुका है कि उसको पीना तो दुश्वार है, क्योंकि उसमें गंदे नाले का पानी गिर रहा है, जबकि सिंचाई विभाग इसकी ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। रणबीर नहर की साफ सफाई पे पहले ही कई सवाल उठ चुके हैं और आलम यह है कि जम्मू में कई जगहों पर गंदे नालों का पानी रणबीर नहर को दूषित कर रहा है। इस नहर के पानी से सिंचाई, किसान जो है खेतों की सिंचाई करते थे, लेकिन अब भी वो मुश्किल हो चुका है। यही नहीं, लोग खासकर बच्चे गर्मी से राहत पाने के लिए इस नहर में नहाते भी हैं, लेकिन बावजूद इसके सिंचाई विभाग द्वारा नहरों में गंदा पानी ना जाए इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। जो गंद डाला हुआ है और बच्चे लोग नहा रहे हैं, आप देख रहे होंगे बच्चे लोग नहा रहे हैं और बीमारी होने का कारण है। और ये नहर ना कोई सफाई नहीं, 13 अप्रैल को बताती थी, बताती से पहले नहर की सफाई होती थी, बिल्कुल सफाई नहीं, पानी छोड़ दिया और इतनी गंदगी है, कहने की बात नहीं, बुरी हालत है, बीमारी होने का कारण है। तो इतनी गंदगी है, जो गटर की पाइपें इसमें डाली हुई है, तो बच्चे नहा रहे, बच्चों को क्या पता है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लैट्रिन का, बाथरूम का, कोई नाले कई किस्म के जुड़े हुए हैं, कि एक सब गंदा पानी, बच्चे बीमार होते हैं, हर चीज मार पीता, सब गंदा है। नहरों की साफ सफाई में लीपापोती को लेकर जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। किसानों और आम आदमियों ने और नागरिकों के साथ अब कई संगठन जो है नहरों की सफाई को लेकर आवाज उठाने लगे हैं। इस मुद्दे को लेकर गरीब SC ST मोर्चा ने भी सरकार से नहरों की सफाई के काम की जांच करने की मांग की। मीरा साहिब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गरीब SC ST मोर्चा के प्रधान श्याम लाल ने आरोप लगाया है कि नहरों की सफाई के काम के नाम पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से नहरों की सफाई के काम की जांच करवाने की अपील की, ताकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नकेल कसी जा सके। आने वाले दिनों में जो रणवीर नहर जो है वो ऊपर से लेके तेल तक जो इन्होंने निकाली है उसमें से कितना पैसा खर्च हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा का सारा पैसा वेस्ट गया है।
क्योंकि जब नहर में से खाली जेसीबी घुमाई जाए और बाहर निकाल ली जाए और उसकी सफाई ना हो तो पानी जो है वो लास्ट तक कहाँ जाएगा। जब पहले सरकार थी तो हम सरकार के टाइम पे मंत्री जी से अपील करते थे या जो सरकारी मुलाजम थे उनसे भी अपील करते थे, वो भी कुछ ना कुछ डरते थे और कुछ ना कुछ जो काम होता था। लेकिन आज गवर्नर साहब के टाइम के ऊपर मैंने बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मीडिया के माध्यम से बात कही है कि जो गवर्नर साहब हैं ये किसान रिलेटेड हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई ऐसा एक्शन किया हो। अपने मशीर जो बनाए हुए हैं उनको ही भेज देते और ये यहाँ पे आके एक बार चेक तो कर ले कि नहर निकली है या नहीं निकली है। जो रणवीर नहर जो है वो ऊपर से लेके तेल तक जो इन्होंने निकाली है उसमें से कितना पैसा। भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने तक बंद रहा कारगिल जनसंकार मार्ग जो है आखिरकार यातायात के लिए खोल दिया गया। पंजीला पास एक आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जनसंकार सब डिवीजन के एसडीएम राकेश शर्मा, एसडीएम सनकू गुलाम मोहिद्दीन और पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने इस मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू करवाई। खास बात यह है कि डीसी कारगिल बसीर उल हक चौधरी और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के प्रयासों से इस बार कारगिल जनसंकार मार्ग पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार 15 से 20 दिन पहले खोला गया। इसके खुलने से कारगिल और जनसंकार के बीच जरूरी रसद समय पर पहुंचाई जाएगी। आम लोगों को आवाजाही जो है वो अब आसान हो जाएगी। बिल्कुल, जैसी जिला में बशीर उल हक साहब के पर्सनल जितने उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, क्योंकि इस साल बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा था, घंटा फंक्शन में बहुत ज़्यादा था, कई सालों से इस साल ज़्यादा बर्फबारी थी। काफ़ी मैकेनिकल डिवीजन के इंजीनियर साहबान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AE साहब, हमारे सांसद साहब के इंजीनियर्स, कर्नल साहब के इंजीनियर्स, यहाँ के ऑपरेटर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सब ने बहुत इंटरेस्ट लिया, डबल शिफ्ट में काम किया। नहीं तो यहाँ पे हमारे प्राकृतिक साइड से वहाँ पे स्लाइड्स बहुत थे, बाद में फिर यहाँ आगे आने के बाद फिर स्लाइडिंग हुआ था, एवलेंच आया था, फिर क्लियर करना पड़ा। इन्होंने बहुत कोशिश की, रात दिन इन्होंने कोशिश की, तो इसकी वजह से काफ़ी जल्दी रोड खुला, नहीं तो टारगेट हमारा कल का था 20 तारीख को। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।